हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की दुनिया में राक्षस तो नहीं रहे। त्रेता युग में, द्वापर युग में जो राक्षसों का आतंक था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति आतंकवाद के रूप में कलयुग में वो देन है कलयुग की, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और राक्षसी प्रवृत्ति वाले आतंकवादी संगठन आज इस कदर अपना आतंक पूरी दुनिया में मचा रहे हैं कि हर कोई त्राहिमम त्राहिमम कर रहा है। सवाल ये है कि राक्षस यदि मर गए तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों का खात्मा कब होगा, किस प्रकार होगा, क्यों ये निशाना बनाते हैं अर्धबल सैनिकों को, क्यों हमारे नौजवान मारे जाते हैं इनके हाथों, और कब इनका खात्मा जड़ से होगा। गवर्नमेंट अपने लेवल पर तैयारी कर रही है, काफ़ी हद तक सफलता भी उसे मिल जाती है, लेकिन अगर 10 आतंकवादी मारे जाते हैं तो हमारे भी सैनिक 5 शहीद हो जाते हैं। सवाल ये है कि ये देश की रक्षा करने वाले हमारे सैनिक, हमारे जवान कब तक आखिर इन लोगों की बलि की भेंट चढ़ते रहेंगे, कब तक ये अपनी जान गंवाते रहेंगे। देश की रक्षा का भार जिनके हाथों में है, यदि उन्हें ही बलि वेदी पर चढ़ा दिया जाए तो किस प्रकार हमारे देश की सुरक्षा होगी, किनके द्वारा होगी। तो सवाल यही है कि जब कल की अवतार आज इस दुनिया में धरती पर अवतार लेकर अवतरित हुए हैं, उनके पास ऐसी असीम शक्तियां हैं जिनके द्वारा आतंकवादियों का खात्मा एक मिनट में हो सकता है, तो फिर क्या कारण है कि आतंकवाद का खात्मा नहीं हो रहा है। रेड टेरर वो शब्द है जो लोग यदि सुन लें तो उनकी रूह कांप जाती है। और इस प्रकार से आज जो है पूरी दुनिया में, हमारे देश में ही करीब 9 राज्य और 60 ज़िले ऐसे हैं जहां पर कि रेड टेरर का आतंक जो है देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि 60 ज़िले अब घटकर कुछ कम हो गए हैं, लेकिन आज भी अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या कहीं और, बिहार ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, ओडिशा ले लीजिए, जहां जहां आदिवासी इलाके हैं वहां आतंकवादियों को छुपने के लिए जगह इसलिए मिल जाती है क्योंकि वहां पर पहाड़ और जंगल, और उसमें छिपकर ये अपने इकट्ठे करने लगते हैं हथियार, साथ ही अपने ग्रुप को वहां पर पनाह देने लगते हैं। और उस रास्ते का आतंक ऐसा होता है कि कोई भी उस रास्ते से गुजरना चाहे भी तो उसे डर लगता है अपनी जान गंवाने का। सवाल यही है कि जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, या बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, जम्मू कश्मीर में आप रिसेंटली आपने देखा होगा, पूंछ है, राजौरी है, ऐसी जगह जहां पर कि आतंकवादी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकवादियों को छुपने की ऐसी जगह मिल जा रही है जहां पर कि पुलिस भी पहुंच नहीं पाती। तो आखिरकार सवाल यही उठता है कि रेड टेरर कब ख़त्म होगा और किस प्रकार ख़त्म होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे संगठन, हमारी पुलिसिया निगरानी में इसे ख़त्म करने पर जोर दिया जा रहा है, एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन जब तक दैवीय शक्तियां इसे ख़त्म नहीं करना चाहेंगी, मुझे नहीं लगता कलयुग के दामन पर ये जो दाग लगा है आतंकवाद का वो कभी भी ख़त्म होगा। तो कल की अवतार के हाथों ही इन आतंकवादियों का खात्मा, जिस प्रकार राक्षस लोगों का खात्मा हुआ, राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो लोग आज की दुनिया में बने बैठे हैं और वो अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोगों का खात्मा रेड टेरर पर लगाम सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है जब कल की अवतार चाहे वही लगा सकते हैं। आज के इंसान के वश की बात ये रही नहीं, क्योंकि हम करते हैं एक स्टेप, हम बढ़ते हैं एक स्टेप की ओर, लेकिन आतंकवादी अपने 10 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। उनकी कुबुद्धि जो है
हमारी सुबुद्धि पर भारी पड़ रही है और इसलिए अब हम देख रहे हैं कल के अवतार की तरफ कि कब वो लाल आतंक पर लगाम लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।